सुबह होते ही हम निकले गांव समो मगजी की तरफ, और इस गांव में हम आपको दिखाएंगे एक खूबसूरत मस्जिद। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है वो मस्जिद जो हम आपको दिखाना चाहते थे। अभी चलते हैं इस मस्जिद में और बताते हैं आपको इस मस्जिद के बारे में और दिखाते हैं आपको इस मस्जिद का नज़ारा। चलें। यह इस मस्जिद का बैरूनी दिलकश और खूबसूरत मंजर। यह मस्जिद का वजू खाना और साथ में है वॉशरूम वगैरह, और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं इस मस्जिद का खूबसूरत मंजर। तो अभी हुआ है नमाज का टाइम, अभी इस मस्जिद में हम अदा करेंगे नमाज, उसके बाद हम आपको मज़ीद इस मस्जिद का नज़ारा दिखाते हैं, आपने रहना है हमारे साथ। चलते हैं मस्जिद में अंदर और अदा करेंगे नमाज़ ज़ुहर। नमाज की अदायगी हमने कर दी है और साथ में ये जमायती अहबाब जो यहाँ इस गांव के हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। और आप ये देखें कि मस्जिद कितनी है खूबसूरत माशाल्लाह। यहाँ पर इस मस्जिद में ज़्यादातर जो इस्तेमाल हुआ है वो शीशा इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है, और यहाँ से आप बाहर का मंजर अच्छी तरह से देख सकते हैं। करीब आए तो ये है माशाल्लाह, और देखें कि कितना खूबसूरत और महंगी तरीन जो लकड़ी होती है उसके साथ इस मस्जिद की खिड़कियाँ बनाई गई हैं माशाल्लाह। और ये जो पूरा इस मस्जिद का मेहराब और मेंबर है वो पूरा लकड़ी के साथ बना हुआ है, ठीक है ना। और ये मस्जिद एक गांव की है, आप तो हैरान इस बात पे होंगे कि क्या गांव के अंदर भी इतनी खूबसूरत मस्जिद होती है। सत्तर से 80 फीट पर मबनी इस मस्जिद का ये खूबसूरत मीनार आपकी आंखों के सामने है। बागों और खेतों के दरमियान बनी ये मस्जिद, और इस मस्जिद का बाहर से एक खूबसूरत नज़ारा।